हम लोग पार्टी के साथ वो भी आने वाला दिन में पार्टी में आ जाएगी। इना साहब हम लोग से कोई अलग नहीं है। उसका कागज में अगर आप लोग चाहते हैं तो सबको सर्कुलेट कर देंगे, लेकिन उन लोगों से कहिए कि आप क्या किए हैं, आप लोग उस कागज को दिखला दीजिए। मैं समझ रमेश कुशवाहा क्या है, भगेड़ू आदमी। अरे कोई जिम्मेदार आदमी जब प्रश्न करता तो मैं जवाब देता। हम रमेश कुशवाहा को क्या जानते हैं, कौन लोग जानता है, कौन ठीक है, आइए नेता लोग, कोई ठिकाना है, आने वाला लोग आइए जाएंगे। समय को हराने का काम हराने जिताने का हम काम नहीं। सुषमा ढाला के अंडरग्राउंड और आरओबी दोनों का काम शुरू हो जाएगा, उसमें कुछ बाकी नहीं है। तो हम तो हमारे शादी से बाहर जेडीए में है, कहाँ आरजेडी से बाहर गए। आज जेडीए में थे तो उनका प्राण छूटा है, तो वो कहाँ आरजेडी से अलग है। संविधान और देश को बचाने के लिए वोट करें, अगर ये काम नहीं करेंगे देश नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं है। तो क्या कहें, हम कह दें कि समझी नहीं है। मेरे भतीजा का ब्याह तो उनके लड़की से होबे किया है, तो रिलेशन अपने जगह पर है और राजनीति अपने जगह पर है। तो वो कहाँ आरजेडी से अलग है, अगर आरजेडी से रिजाइन मार दिए होते तो हम समझते कि आरजेडी में नहीं। हम लोग उनको आज भी आरजेडी में हम लोग स्वागत करते हैं 7 दिन से। आज जब तक हम लोग रहेंगे संविधान खत्म होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार खत्म हो जाएगा, ये सब बचा रहेगा तब ना हम लोग लड़ेंगे, ये बचने ही वाला नहीं है। बोलते रहते हैं, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। कोई जिम्मेदार जदयू के लोग बोलेगा हम जवाब देंगे। विनय साहब भी हम लोग घर का बहू है तो कोई दिक्कत नहीं, लड़े हम लोग की तरफ से स्वागत। नारा दिया है 400 पार, यानी 400 पार करके संविधान बदल, गोद में से लेकर के गोद में से लेकर फिर जो है उसको जो है वो रुके हुए कार्यों को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जो एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। जीरा दई के जमापुर में राजद प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी के पक्ष में प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां माले के कई विधायक मंच पर मौजूद रहे। वहीं अमरजीत कुशवाहा ने कहा कि इस बार पूरा जीरा दई क्षेत्र माले के सभी कार्यकर्ता अवध बिहारी चौधरी के पक्ष में चुनाव जिताने के लिए लगे हुए हैं। वहीं सिसवन ढाला ओवर ब्रिज पर जब बात की गई तो अवध बिहारी चौधरी ने क्या कुछ कहा वो भी सुने। तो सुनिए माले विधायक एवं अवध बिहारी चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और काफ़ी गंभीरतापूर्वक राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के कार्यकर्ता और नेता, ये कार्यकर्ता कन्वेंशन है इसमें आ रहे हैं, और कार्यकर्ता भी अपने बात को रख रहा है और नेता भी मार्गदर्शन कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव को हमको जीतना है, और जीतना है तो हमें काफ़ी मेहनत और परिश्रम करना। सर पूर्व में आप वो कितना पूरे किए हैं करेंगे, यह तो 5 बरस हुए MLA रहे हैं, तब तो जीरा देई के जनता से पूछना चाहिए जब वो रहे हैं
हर गांव में आप लोग पत्रकार हैं, सर्वे कीजिए कि कितना काम किए हैं। और मैं चुनौती देता हूं कि मेरे कार्यों को भी आप लोग, मतलब आप लोग घूम करके देखिए, उसका आकलन कीजिए। मैं समझता हूं कि वो क्या किए हैं नहीं किए हैं, मैं तो किया हूं और मैं जो किया हूं धरती पर दिखलाई देता है। और बिल्कुल जो किया हूं वो सही तरीक़ा से किया हूं, उसमें कहीं किसी तरह के गमक और महक नहीं है। गमक जरूर है कार्यों में, महक नहीं है। और गुणवत्ता बरकरार रखते हुए मैंने क्षेत्र के काम किया है। जहाँ तक सिसवन ढाला का सवाल है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वह सिसवन ढाला का काम सब पूरा हो गया है। उसको मैं करा करके और भेजवा दिया हूँ रेलवे बोर्ड में। रेलवे बोर्ड अपना शेयर दे दे, आप बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को पैसा सेंट्रल शेयर मिल जाए। राज शेयर तो तेजस्वी जी ने रिलीज कर दिया है, तो 2 से 3 दिन के अंदर में सिसवन ढाला के अंडरग्राउंड और आर ओ बी दोनों का काम शुरू हो जाएगा। उसमें कुछ बाकी नहीं है। ये क्या बोलेंगे लोग, हम ऐसे नहीं बोलते हैं। हमारे पास सब सबूत है, एक एक कागज़ है। उसके प्रति हम कितना सीरियस रहे हैं कि हम जा कर के एक उसका रिव्यू स्पीकर रहते हुए गोरखपुर के रेल के जो मतलब उसके सर्किट हाउस है, सारे उच्च पदाधिकारियों को मैंने रिव्यू किया और उसके बाद से वो तमाम चला गया रेलवे बोर्ड में। राजनीति कोई क्या करेगा, हम तो पत्रकारों से कहना चाहते हैं कि जो भी आदमी बोलता है तो उसे आप कहिए कि आप क्या काम किए हैं, जरा एक वो कागज़ एक पन्ना का दिख रही है। अब मैं कहता हूं कि मैं तो उसका A to Z क्या किया हूं उसका कागज़ में, अगर आप लोग चाहते हैं तो सबको सर्कुलेट कर देंगे। लेकिन उन लोगों से कहिए कि आप क्या किए हैं, आप लोग उस कागज़ को दिखला दीजिए। मैं समझता हूं कि वो लोग राजनीति कर रहे हैं और विकास पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। वो रेलवे जो सिसवन ढाला है वो बर्निंग इशू है सिवान के लिए, जाम से मुक्ति दिलाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया, गंभीरता से लिया है। और मैं कह रहा हूँ कि मैंने सब कुछ करा दिया है, सिर्फ वो रेलवे बोर्ड में जाकर पड़ा है। वहाँ से उसको उसके जो आवश्यकता बनाने के काम शुरू करने के लिए है, उस काम को रेलवे बोर्ड करके भेज दे और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम एकदम तुरंत आएगा और तुरंत काम शुरू हो जाएगा। सिसवन के अंडरग्राउंड और आर ओ बी के कार्य को और उसको बनने के लिए कोई रोक नहीं सकता। मैंने उसको पूरा पूरा काम करा दिया हूँ, उसमें अब ज़्यादा बहस की ज़रूरत नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर जनता मुझे आशीर्वाद देगी, वोट देगी, लोकसभा के अगर हमको प्रतिनिधि बनाएंगे सिवान से, तो मैं जाऊंगा। अगर यहाँ ये लोग नहीं भेजते हैं तो एनडीए की सरकार बनेगी और उसमें हम लगभग करके 10 दिन 5 दिन भी देर नहीं लगेगा, उसको मैं प्रक्रियात्मक कार्रवाई जो पेंडिंग है करा करके भेजूंगा। और सिसवन ढाला हमारे नज़रों में प्राथमिकता है, वह मैं प्राथमिकता को पूरा करके कार्य को पूरा कराऊंगा। अरे यार समधी हैं तो क्या कहें, हम कह दें कि समधी नहीं है। मेरे भतीजा का ब्याह तो उनके लड़की से होबे किया है, तो रिलेशन अपने जगह पर है और राजनीति अपने जगह पर है। तो गोद लिए तो उसका जवाब तो वो भी न देंगे। उनका ख्याल आया कि हम समधी के खिलाफ लड़ाई लड़ते आए हैं और उनसे लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। तो हम लोगों को कोई लाठी या पैना की लड़ाई नहीं है, सिद्धांतिक लड़ाई है। वो जो है अपने तरह से मंचों पर बात को कहते हैं। हम आरजेडी महागठबंधन के हैं, हम सैद्धांतिक लड़ाई करेंगे, कोई झगड़ा झंझट हम थोड़े करने जाएंगे। बात को सुनो, तो मैं कहना चाहता हूं कि हम जीतेंगे जाएंगे तो जीरा देई के राजेंद्र बाबू के भूमि के जो भी मामले हैं, या वहाँ जो घर नहीं बना रहे हैं वो अपने घर को तोड़ नहीं रहे हैं, दिक्कतें हो रही है, सबको मैं देखूंगा।
और देख करके उन लोगों के मैंने जो दिक्कत है उस दिक्कत को दूर करने का मैं काम कर रहा हूँ। मीडिया इसीलिए जो भी वक्ता इंडिया गठबंधन दो मिनट में अपना संबोधन अभिनंदन करता हूँ। इस बीच में आज मैं बता देना चाहता हूँ आज बिहार में लड़ाई चल रही है, आज हम लोग का प्रोग्राम हो रहा है जामापुर जिला देह में और राजेंद्र बाबू को धरती है, हम लोग 40 सीट पर चुनाव जीत रहे हैं। रामायण चौधरी भी हम लोग के बीच में देखिए हम लोग साहब साहब के परिवार के साथ है, मालक है उसमें तो दिक्कत नहीं है ना, साहब कुछ कहेंगे देखिए उसको हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम लोग साथ में नेता है, चुनावी रणनीति हम लोग पार्टी के साथ, वो भी आने वाला दिन में पार्टी में आ जाएगी। इना साहब हम लोग से कोई अलग नहीं कौन ठीक है, आइए नेता लोग कोई ठिकाना है, आने वाला लोग आइए जाएंगे, समय को हराने का काम नहीं, हराने जिताने का हम काम नहीं करेंगे। देखिए हम लोग पार्टी के साथ हैं, जो भी सामने दिखाई देगा वो काम हम लोग करेंगे, हम लोग जिताने के लिए सारे शक्ति लगा देंगे। साहब के साथ प्रेम व्यवहार सब कुछ नेता है, जो भी उनको कोई परेशानी होगा तो उसमें हम लोग खड़ा है। देखिए हम लोग तो हमारे शादी से आरजेडीए में है, कहाँ आरजेडी से बाहर गए, आरजेडीए में थे तो उनका प्राण छूटा है तो वो कहाँ आरजेडी से अलग है, अगर आरजेडी से रिजाइन मार दिए होते तो हम समझते कि आरजेडी में नहीं, हम लोग तो उनको आज भी आरजेडी में हम लोग स्वागत करते हैं सात दिन साहब, और जब तक हम लोग रहेंगे तब तक हम लोग स्वागत सात दिन साहब को करते रहेंगे। साहब भी हम लोग घर का बहू है तो कोई दिक्कत नहीं, लड़े हम लोग का तरफ से स्वागत प्रक्रिया में जीरादेही के धरती के लोगों ने भी मतदाताओं ने भी मन बनाया है कि इस बार हम एनडीए की जो सरकार है नरेंद्र मोदी की जो नारा दिया है 400 पार यानी 400 पार करके संविधान बदल दें, लेकिन देश के जनता का जो रुझान आ रहा है वो 200 भी पहुंचने नहीं जा रही है और हम समझ रहे हैं कि देश की मानसिकता यह बन गया है, मिजाज बन गया है कि इस बार भाजपा के नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ करके फेंकना है। यह सिवान में भी यही होगा, सिवान इससे अलग नहीं है, सिवान की लड़ाई भी यही है और सिवान के मतदाताओं से मैं कहूँगा कि आप इस पर ज़रूर विचार करें, देश को बचाने के लिए इस बार उम्मीदवारों पर नहीं, जाति धर्म पर नहीं, इस बार देश को बचाने के लिए इंडिया एलायंस को वोट दें। तो उनको इस बात की क्यों चिंता है, चिंता तो हमको ना होना चाहिए, हम लोग चाहते थे यहाँ लड़ना, पूरे बिहार में हम लोग 8 सीटों पर दावा किए थे, सबकी अपनी अपनी दावेदारी थी, जो मिला उस पर हम लोग लड़ रहे हैं, तो उनको इसकी चिंता क्या है, वो तो चिंता छोड़ करके चले गए, तो अब माले बचेगा कि नहीं बचेगा इसकी चिंता क्या है। अमरजीत कुशवाहा और रमेश कुशवाहा के साथ रहेंगे या महागठबंधन के साथ रहेंगे जो उनके मित्र हैं, गजब हाल है, हम सीधा कह रहे हैं कि इंडिया एलायंस जीतने जा रहा है, हम सीधे कह रहे हैं कि एनडीए को हराना है, किसी व्यक्ति का ही चुनाव नहीं है, जो लोग व्यक्ति पर चुनाव केंद्रित कर रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, ये चुनाव देश के संविधान और देश बचाने का है और हम कहेंगे कि देश के जनता को खड़ा होकर के इस बार संविधान और देश को बचाने के लिए वोट, अगर ये काम नहीं करेंगे देश नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा, तो आने वाले दिनों में अगर भाजपा जीतती है और उसी को मजबूत कर रहे हैं तो देश के संविधान खत्म होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार खत्म हो जाएगा, ये सब बचा रहेगा तब ना हम लोग लड़ेंगे, ये बचने ही वाला नहीं है, इसलिए हराना यही देश की जनता का मकसद होना चाहिए और लोग इस पर खड़े हैं। ये चुनाव लोकसभा का हो रहा है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात को एकदम रद्द करिए, सिरे से खारिज करिए, अभी के जो परिस्थिति है उसमें पूरे सिवान संसदीय क्षेत्र में लोगों का रुझान महागठबंधन के प्रति है और यही देख रहे हैं कि लगातार हम लोग सभी प्रखंडों में
ये सैकड़ों सैकड़ों पाँच पाँच सौ सात सात सौ लोग जुट रहे हैं और महागठबंधन को जिताने के लिए हर रणनीति बन रही है। और लोगों के जो मानसिकता देखी जा रही है उस स्थिति में यह बात तय हो गई है कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी जी भारी मतों से जीत करके दिल्ली जाएंगे। रमेश कुशवाहा क्या हैं? भगेड़ू आदमी? अरे कोई जिम्मेदार आदमी जब प्रश्न करता तो मैं जवाब देता। हम रमेश कुशवाहा को क्या जानते हैं? कौन लोग जानता है? अगर जदयू के प्रत्याशी जो हैं अगर वो प्रश्न करें तो मैं उनके प्रश्नों का जवाब दूंगा। रमेश कुशवाहा जैसे भगेड़ू आदमी के प्रश्नों को जवाब में मैं दे करके अपना मुंह बर्बाद करूंगा? ऐसे लोगों के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि कोई आदमी वो जिम्मेदार नहीं है और वो अपने ढंग से अकबक 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 बोलते रहते हैं। मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। कोई जिम्मेदार जदयू के लोग बोलेगा हम जवाब देंगे। हो गया ठीक है। हमने दो उम्मीदवार के जल्दी दिल्ली भेजवाए लो। बिल्कुल चाचा हमने।